लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नई मुंबई के जंबो कोविड केयर सेंटर में HRCT डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण किया। सिटी स्कैनिंग की अत्याधुनिक मशीन फ्रीडम फॉर यू फाउंडेशन ने CSR के तहत नई मुंबई मनपा को प्रदान किया है। इसके साथ ही पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मनपा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। आरोग्य उपक्रमों का लोकार्पण करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे कोरोना के उपचार में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार और मनपा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। यहां सांसद राजन विचारे, NCP जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर समेत कई नेता भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नई मुंबई में दो आरोग्य उपक्रमों का लोकार्पण किया। सबसे पहले मनपा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की। उसके बाद नगर विकास मंत्री ने वासी के जंबो कोविड केयर सेंटर में HRCT डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण किया। कोविड मरीजों के उपचार के लिए सिटी स्कैनिंग की अत्याधुनिक मशीन फ्रीडम फॉर यू फाउंडेशन द्वारा CSR के तहत नई मुंबई मनपा को उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कोरोना उपचार सुविधाओं को और मजबूत करना एवं नागरिकों को मुफ्त आरोग्य सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज PSA प्लांट, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 1000 लीटर पर मिनिट जनरेट करणारा जे प्लांट आहे ते त्याचा शुभारंभ झालेला आहे आणि जवळपास 200 बेडला हा ऑक्सिजन प्लांट उपयुक्त ठरेल। नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने CSRचं सहकार्य घेऊन या ठिकाणी HRCT मशीन अद्ययावत अशी इम्पोर्टेड मशीन त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। यामध्ये जे पेशंट आहेत आपल्या कोविड सेंटरमध्ये त्यांना जो काही विलंब लागत होता तो आता तात्काळ त्यांची HRCT होईल आणि ताबडतोब डायग्नोसिस होईल आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट करणं सोपं जाईल, त्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि त्यासाठी देखील ही HRCT मशीन उपयुक्त आहे। यामध्ये जवळपास 100 पर डे लोकांचं स्कॅन होईल आणि मोफत होणार आहे, म्हणजे कुठलंही शुल्क रुग्णांकडून घेतलं जाणार नाही। ही देखील एक मोठी सेवा आहे। मी महापालिकेचे आयुक्त आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि CSR मधून ज्यांनी सहकार्य केलं आहे त्यांना देखील धन्यवाद देतो। बता दें कि कोविड केअर सेंटर में उपलब्ध कराई गई इस HRCT डायग्नोस्टिक मशीन के जरिए हर दिन 100 मरीजों की जांच हो सकेगी। वहीं मनपा अस्पताल में शुरू किए गए ऑक्सीजन प्लांट से 200 बेड पर मरीजों को प्राणवायु उपलब्ध होगी। असल में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाओं के बीच नई मुंबई मनपा आरोग्य सेवाओं को और मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। इस कार्यक्रम में सांसद राजन विचारे, NCP जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर समेत कई नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।